आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि फॉर्मूला डैश फंक्शन हम पढ़ रहे थे और इसी डैश फंक्शन में आगे हम बढ़ते हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लासेस में, अब डेट एंड टाइम फंक्शन से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले हम एक फिल्टर फंक्शन है उसके बारे में, ठीक है। फिल्टर फंक्शन समझ लेते हैं। तो फिल्टर फंक्शंस का आप यूज देखिए, कोई किसी टेबल के लिए, इसके लिए नहीं होता है, टेबल के लिए होता है, समझ गए। तो सबसे पहले हम फिल्टर को ही समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिल्टर मतलब कि एक डेटा से, एक्सेल पे भी सेम फॉर्मूला फिल्टर का आया हुआ, किसी डेटा से पर्टिकुलर कंडीशन का डेटा लेना। हालांकि इससे बीच पहले भी मैंने दो तीन बार इसको यूज किया है, बट आपको उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि आखिर ये होता क्या है। तो फिल्टर फॉर्मूला में मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ मुझे पूजा का डेटा चाहिए, तो बोले सर इसमें हम फिल्टर क्यों लगाए, हम यहीं पे हम नेम बाइज, मान लीजिए कोई रिपोर्ट, मान लीजिए मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो हमें अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बाइज रिपोर्ट बनाना है, प्रोडक्ट बाइज, क्वांटिटी का, इस पर हमने अपना ये लगा दिया, जो प्रोडक्ट है ओवरऑल का, तो मुझे सिर्फ पूजा की प्रोडक्ट चाहिए। तो यहां हम स्लाइसर दे सकते हैं ना, स्लाइसर, और स्लाइसर में हम नेम रख देते हैं, नेम डाल देंगे। अभी लिस्ट आ रहा है इस तरह से, तो यहां पे एक आता है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्रॉप डाउन सिस्टम भी, जैसे कि होता है ना कॉम्बो बॉक्स टाइप का, वो आपका आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर अगर पूजा सेलेक्ट कर लिया तो पूजा का हो जाएगा, राइट, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई ड्रॉप डाउन ना कर सके, मतलब कि मेरी रिपोर्ट सिर्फ पूजा का ही बने, बात समझे, हम नहीं चाहते कि कोई पर्सन किसी और पर्सन का रिपोर्ट देख सके। तो उस केस में हमें इसका डेटा अलग करना होगा। तो दो तरीका है कि डेटा लेते समय ही पूजा का डेटा लेना है, उसके लिए हम डैक्स क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहां पर हम ले चुके हैं, बट मुझे अलग चाहिए क्योंकि अलग अलग शीट्स पे मैं डैक्स क्यूरी करेंगे तो बहुत सारे कनेक्शन बन जाएंगे ना, इसलिए एक ही कनेक्शन में हम अलग अलग इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए हमें न्यू टेबल वाले फॉर्मूला पे क्लिक करना पड़ेगा, फिल्टर का हमेशा न्यू फॉर्म पे ही यूज होता है। तो यहां पर मैंने दे दिया पूजा, और यहां हम देते हैं फॉर्मूला फिल्टर का। फिल्टर में हम यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करते हैं कि किस टेबल का चाहिए, तो हमने बोला सीट वन। अब एक्सप्रेशन क्या है, तो हमने बोला कि सीट वन का नेम इक्वल टू पूजा होना चाहिए। एंटर मारिए, आपके सामने पूजा नाम का एक टेबल आ जाएगा, और यहां पे सिर्फ पूजा की डेटा होगी। डेटा क्यों नहीं है इसमें, सेलेक्ट करना, क्लिक करना होता है, सिर्फ टेबल पर क्लिक करने से नहीं दिखता है। तो देख रहे हैं सिर्फ पूजा दिख रहा है। अब मैं एनालाइज करते समय, रिपोर्ट बनाते समय, मैं प्रोडक्ट वाइज यहां पूजा का प्रोडक्ट यहां से लेता हूं और इसकी क्वांटिटी ले लेता हूं, आपके सामने रिपोर्ट आ गया, ओके। तो फिल्टर का एक यूज समझ में आया संदीप जी? हाँ जी सर। लेकिन मान लीजिए मुझे पूजा, मुझे इसमें पूजा और एक दूसरा नीरज का भी चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए पूजा और लगाना पड़ेगा सर, पूजा एंड नीरज। तो यहां पे हम देते हैं सीट नेम, हमने नेम सीट नेम इक्वल टू नीरज, आ गया पूजा और नीरज का आ गया। अब मान लीजिए मुझे तीन का चाहिए, पूजा नीरज और एक और चाहिए, मान लीजिए ओम,
तो क्योंकि एंड में तो हम दो ही डाल सकते हैं ना सर, दो से ज्यादा नहीं डाल सकते, तब क्या करेंगे? तब यहां पे मैं और एक और लगाता हूं, और यहां पे मैं करता हूं सीट वन नेम। मैं ट्राई कर रहा हूं, ऐसे पहले मैं तीन यूज किया नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो प्लीज हंसिएगा नहीं। नहीं सर, तो मैंने किया है, दो से ज्यादा कभी नहीं किया था, फिल्टर मैंने किया था, बाकी सब में तो लगाया हूँ, फिल्टर मैंने कभी तीन का यूज नहीं किया। तो हाँ ये भी वर्क कर गया, बट ओम का आया नहीं। आई थिंक ओम नहीं है क्या डेटा में? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, यहाँ सीट में ले आके। उदय उदय है, ओम नहीं है। इस पे उदय डाल देते हैं ओम की जगह पे, रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कि वर्क करेगा। आ गया आ गया। ऐसे चौथा पांचवा छठा लगा सकते हैं। अब और जैसे कि सर आप, एक हाँ एक पूछना था सर, यहाँ पर एक एक क्वेरी और है। जैसे कि हम और कंडीशन लगा रहे दो या तीन एक ही कॉलम पर, बट हम दो डिफरेंट कॉलम का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि हाँ नेम में ये तीन नाम और सिटी में कोई दो। मैं यही समझा रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं दो अलग अलग कॉलम्स पे क्या हो सकता है, चलिए वो भी हम ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोलते हैं मुझे नेम में चाहिए, और हम सब बोलते हैं क्वांटिटी हमारा ग्रेटर देन 50 चाहिए। नहीं, पहले तो ये करता हूँ ओम, और मैं प्रोडक्ट में रैम करता हूँ नीरज ओम, ठीक है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे एंड का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे और लगा दिया तो रैम पूरा आ जाएगा और पूजा पूरा आ जाएगा, चाहे जाएग किसी और प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन मुझे पूजा के अंदर रैम वाला चाहिए। ठीक है सर, वन में नेम कॉमा प्रोडक्ट इक्वल टू रैम गया, पूजा आ गया और रैम आ गया, समझ गया? लेकिन जैसे कि अगर मैं यहां और लगा देता हूं तो क्या दिक्कत होगा? देखिए इसने पूजा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, हर एक प्रोडक्ट, और रैम भी हर एक नेम को सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। जैसे कि ये क्या करेगा कि डेटा पे जाएगा, डेटा शीट पे जाएगा, और यहां से पहले पूजा को निकालेगा, समझे? और इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। अच्छा फिर ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद फिर उसी के नीचा ये क्या करेगा कि इसको पूजा को ऑल कर देगा, और फिर प्रोडक्ट में जाएगा और रैम को ले लेगा, उसी के नीचे डाल देगा, समझ गया? समझे कि नहीं सर? दीपक जी, तो संदीप जी, हाँ जी सर, हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आ रहा है। और आपको सर? यस सर, चलिए तो ये हमारा इसका फिल्टर का फॉर्मूला था। अब बात होती है कि क्या हमेशा एक टेबल में इस्तेमाल किया जाता है? जी नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग बाकी चीजों में ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे सम चाहिए, मुझे यहाँ पे मान लीजिए टोटल क्वांटिटी का सम चाहिए, टोटल क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तो हम कैलोरी, यहाँ पे आते हैं मेजर सप्लाई करते हैं ना, मेजर्स में जाके मेजर्स में जाते हैं और सम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सम कर लिया। सम में हम एक दे देते हैं कि क्वांटिटी का सम करना, तो उसको हम कहीं अपने इस पे कार्ड पे या कहीं पे उसको हम
रख देते हैं, तो वहां पे उसका टोटल दिख जाता है। जैसे कि हमने कहां पे किया है, हाँ ये रहा सम आ गया। बट ये सम जो आया, ये सम ओवरऑल आया, लेकिन मान लीजिए मुझे सम विद कंडीशन करना है, मतलब कि हमें सिर्फ पूजा का सम करना है, तो कंडीशन कैसे लगेगा, क्योंकि इसमें कोई सम इफ का फॉर्मूला तो होता नहीं है क्या। तो हम इसमें सम एक्स का फॉर्मूला लेंगे। अब सम एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि सम बोलता है कि मैं सिर्फ एक कॉलम लूंगा, क्या बोलूंगा, एक कॉलम लूंगा, बात समझ गए। लेकिन सम एक्स कहता है कि मुझे पूरा एंटायर टेबल दे दो और उसमें से बताओ किसका सम करना है। तो यहां पे अब टेबल में तो पूरा टेबल दे दूंगा तो फिर पूरा डेटा सम करेगा, तो हम फिल्टर को बोलते हैं कि फिल्टर बोलते हैं कि भाई तुम जो टेबल दो उसमें आप जो है फिल्टर टेबल दो, जैसे कि आपने बाहर क्लियर किया ना, उस तरह का टेबल दो। और क्या सम करना है, तो हमने बोला कि मुझे इसमें क्वांटिटी का सम करना है। अब जो सम आएगा वो सिर्फ पूजा का सम आएगा। तो सम एक्स, काउंट एक्स, काउंट ए एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें सम इफ, काउंट इफ, एवरेज एवरेज इफ, ये सब चीजों में यूज होता है। और मल्टीपल कंडीशन जैसे हमने फिल्टर में दिया है वैसे यहां भी दे सकते हैं, क्योंकि तो फिल्टर यूज हो रहा है ना, फिल्टर जो डेटा देगा उसकी क्वांटिटी कॉलम को सम कर देगा। तो सम एक्स में फिल्टर का जो हमने यूज किया उसका कंसेप्ट समझ में आ गया आपको संदीप जी एंड सागर जी? जी सर, और एक एग्जांपल लीजिए ना प्लीज, समझ में तो आ गया। और एक एग्जांपल, और सर डबल नेम के साथ एग्जांपल लीजिए कि पूजा भी हो और उदय भी हो, उसका सम निकालना हो। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करें, आपको सम एक्स का कोई रोल उसमें नहीं है, वो रोल आपका फिल्टर का है, जहाँ पे आप कंडीशन देते हैं। यहाँ पे हमने और दे दिया और हमने यहीं पे दिया कि यहाँ यहीं पे कि पूजा सॉरी नेम नेम इज इक्वल टू हमने बोला उदय, ठीक है, बढ़ गया सर। समझ गया? मैं थोड़ा सा सिंटैक्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम समेक्स में फॉर्मूला एंटर कर रहे थे तो एक्सप्रेशन आया था टेबल, और उसके बाद आया था आर्गुमेंट में आया था टेबल, उसके बाद आया था एक्सप्रेशन। हाँ, तो वो टेबल सम एक्स कहता है, आप देखेंगे एक्सप्रेशन सम सम एक्स कहता है कि आप मुझे पूरा का पूरा टेबल दो और उस टेबल में से किस कॉलम का सम करना वो बताओ, आप समझे। तो मतलब कि सम एक्स का यूज होता है, सम एक्स का या काउंट एक्स का या मैक्स एक्स का जो भी है, वो बोलता है कि पहला एक्सप्रेशन में टेबल कि किस टेबल में किस कॉलम का, यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो टेबल में हम जो देते हैं इसमें हम फिल्टर लगा देते हैं और टेब सम एक्स को फिल्टर डेटा ही मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पूजा नाम का फिल्टर डेटा बना रखा है टेबल जो सिर्फ पूजा का ही है, तो फिल्टर चलाया है। तो फिल्टर जो फॉर्मूला लगता है तो उसको जैसे यहाँ पे टेबल को सिर्फ पूजा का डेटा दिया, ऐसे वहां पे सिर्फ उसको पूजा या नीरज जो भी हम कंडीशन डालेंगे उसका डेटा देगा और सम उसी का सम करेगा। यानी आप कहने आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सम एक्स में जो टेबल का आर्गुमेंट था उसको हमने फिल्टर के आर्गुमेंट से रिप्लेस किया है। जी हाँ, ओके, समझ गया। हाँ ठीक है, जहां भी यहां भी देखिए कहीं भी आपको फिल्टर देखिएगा तो सम एक्स का ही फॉर्मूला ज्यादातर देखिएगा, समझ गया। सर क्या आपको इसमें रिलेटेड का ऑप्शन बताएंगे, रिलेटेड जैसे कि आपको अभी हमने समझाया नहीं ना, रिलेशनशिप नहीं समझाया है, जब मैं रिलेशनशिप समझाऊंगा तो उसमें रिलेटेड का भी चीजें समझ में आएगी। अब फिल्टर के बाद अगला है हमारा फिल्टर्स, अब एस लगा हुआ है
तो क्या है? फिल्टर्स में मुझे हिसाब से लग रहा है कि पूरा डेटा नहीं देगा, ये देगा, ये आपको एक कॉलम देगा। मतलब कि अगर मैं टेबल में पहले, टेबल में क्या होगा कि पहले डेटा हमें दिख जाएगा कि है क्या, टेबल पे आते हैं और हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए पूजा के, पूजा और हम यहाँ पे लगाते हैं, पूजा का नाम तो है सीट तो दिक्कत करेगा, पूजा ए डबल ए कर लेता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं फिल्टर्स, फिल्टर्स इसमें बोल रहा है कि इसका कौन सा टेबल चाहिए, पूजा का चाहिए सीट का चाहिए, हम लोग सीट्स का चाहिए, सीट का कौन सा चाहिए, तो हमने बोला मेन। पूछ रहा नेम, कॉलम नेम है आगे इसके है ही नहीं, ये यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली देता है, समझ गए सर, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ये बहुत डिफरेंट है फिल्टर के बाकी फंक्शन से, यानी जिसमें हमने न्यू टेबल क्रिएट किया था और इसमें सिर्फ यूनिक ही मिल रहे हो। हाँ यूनिक ही है, जरूरी नहीं है कि टेबल हो, यूनिक ही है। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे एक डेटा है, एक रिपोर्ट है, यहाँ रिपोर्ट है, मुझे यहाँ पे टीम लिस्ट शो करना है कि मेरे पास कौन कौन टीम मेंबर्स है, या प्रोडक्ट लिस्ट या सिटी लिस्ट शो करना है, ऐसे शो के लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम मल्टीपल जो हमारा ये है कार्ड है उसको ले लेंगे सेकेंड टाइम, और यहाँ पे मैं इस पूजा ए का नेम डाल देता हूँ। तो वी हैव गॉट द लिस्ट ऑफ आवर, समझ गए, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसका और भी यूज है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। हालांकि मैंने इसको कभी यूज किया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी जरूरत मुझे नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए काउंट रो भी है आपका, या फिर आपको टोटल हेड काउंट देने हैं, देखिए यहाँ पे काउंट रो दिख रहा है आपको सर, तो इसका भी यूज हो सकता है काउंट रो के साथ। जैसे मुझे पता करना है कि टोटल हेड काउंट है कितना, तो मैं यहां पे आता हूं मेजर्स में, न्यू मेजर्स, और यहां पे मैं एच सी कर देता हूं और यहां पे काउंट लिखता हूं। में हम यहां पे देते हैं फिल्टर्स, फिल्टर्स में हम बोलते हैं नेम, हम कार्ड लेते हैं और कार्ड पे हम मल्टीपल कार्ड नॉर्मल कार्ड लेते हैं, इस तरह के काउंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू है उसका काउंट करना, समझ आया सर? हाँ जी सर। अगर आपको यह पता करना है कि टोटल नंबर नंबर ऑफ डेटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो काउंट रो का यूज होता है। काउंट रो के फॉर्मूला यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। काउंट रो का फॉर्मूला होता है कि जैसे आपको पता करना है, मेजर्स भी यूज होता है कि काउंट सी एन डी काउंट रो कि आपके बाद आखिर टोकन टोटल ट्रांजेक्शन है कितना, तो उस केस में एक काउंट रोज का फॉर्मूला यूज होता है और इसमें हम अपना टेबल का नेम दे देते हैं, जो भी टेबल नेम आपका है, बस सिंपल, ठीक है। अब इसको एक कार्ड पे रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टेबल है कितना। काम लग गया
गया इसका यूज होता है। तो फिल्टर और ये किस कॉलम को रेफर कर रहा है 3,931 को नहीं, कॉलम में टोटल नंबर ऑफ यूज रोज। हाँ तो किसी कॉलम में कम हो सकते हैं, ब्लैंक हो सकते हैं, किस कॉलम से? ब्लैंक से इसको मतलब नहीं है, ये देखता है कि टोटल नंबर कितने यूज हुए हैं। ठीक है, 3,913 रोज यूज रो यूज काउंट करता है, क्योंकि तो इसमें एक्सेल की तरह ब्लैंक रोज नहीं होता है, नीचे उतना ही रो होगा जितना डेटा है। अब यहाँ भी अगर मान लीजिए यहाँ ब्लैंक है बट ये रो यूज तो हुआ है ना, समझ गए सागर जी? हाँ, वो काउंट करता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीजों पे, लेकिन इस पे प्रैक्टिस आप लोग करके मुझे कुछ और एग्जांपल बना के दीजिए, और कल आपके लिए मैं एक नया डैशबोर्ड लेके आऊंगा, कुछ मैं बनाऊंगा कुछ आपको बनाना है। ठीक है सर, ठीक है।